हेलो फ्रेंड्स, आदित्य अक्कर इसी में आप लोगों का स्वागत है। तो ये देखिए, आप लोग देख सकते हो अपने पास मारुति जिप्सी आया हुआ है। तो ये वाला गाड़ी में एसी नहीं है, तो अभी हम लोग इस गाड़ी में एसी फिटिंग करने वाले हैं। तो इस गाड़ी में एसी फिटिंग कैसा करते हैं करके आप लोगों को दिखाता हूँ। वैसे ही देखिए आप लोग, इसका बोनेट उठा तो इसका बोनेट उठ निकालो। देखिए आप लोग इधर पे देख सकते हो, गाड़ी में आके मारुति इनो का इंजन लगाया हुआ है और इस गाड़ी में एसी का फिटिंग नहीं है। तो अभी हम लोग इस गाड़ी में एसी फिटिंग करके आप लोगों को दिखाएंगे कैसा फिटिंग करना है करके मारुति जिप्सी में। ऐसे ही आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपना चैनल आदित्य अक्कर एसी को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इस गाड़ी में एसी फिटिंग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी इसका फिटिंग शुरू करते हैं हम लोग। तो ये आप लोग देख सकते हो, अंदर की तरफ देख लीजिए, ये आके टू सीटर जिप्सी है। तो अभी इसका डैशबोर्ड निकाल लेंगे, पहले हम लोग अंदर से फिटिंग शुरू करते हैं। तो ये डैशबोर्ड निकालने के लिए ऊपर की तरफ तीन बोल्ट रहता है। देखिए आप लोगों को, ये कैप निकाल देने से आराम से दिखाई देगा तीनों बोल्ट। तो अभी ये तीनों बोल्ट निकाल लेंगे हम लोग ऊपर से और ये स्टेयरिंग को थोड़ा सा लूज़ कर लेंगे। तो देखिए डैशबोर्ड का तीनों बोल्ट निकाल दिया और स्टीयरिंग लूज कर लेके साइड में दो क्लैंप आएगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों साइड का क्लैंप निकाल देंगे और स्टीयरिंग को लूज कर लेके डैशबोर्ड को बाहर की तरफ खींचने से इसका डैशबोर्ड लूज़ हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो, इसका स्टीयरिंग भी दोनों नेट निकाल के लूज़ कर लिया है, तो इसका डैशबोर्ड फ्री हो गया। ये डैशबोर्ड निकालना कोई बड़ा काम नहीं है, आराम से निकल जाएगा। तो अब ये लेफ्ट साइड का फिटिंग भी क्लैंप निकाल लेके और बाहर से एक बोनेट केबल आएगा, वो निकाल देने से डैशबोर्ड बाहर आ जाएगा। तो देख सकते हो आप लोग, ये बाहर का केबल है, बोनेट केबल। तो ये केबल भी निकाल दिया है। अभी ये डैशबोर्ड निकाल देने से अभी आपको इधर पे फिटिंग आएगा ये ऑपरेटर कॉइल यूनिट का। तो ये यूनिट कैसा फिटिंग करना मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यही वाला यूनिट अंदर की तरफ फिट होगा, ये सुपर किंग का यूनिट है। तो अभी इस यूनिट में हम लोग ये ऊपर का कवर निकाल के इसमें चारों तरफ भी वेंट फिक्स कर लेंगे। इसका वेंट कैसे आएगा करके मैं दिखाता हूँ। देखिए तो अभी इसमें ऊपर का कवर निकाल लेके ये जो इसमें लगा हुआ है ये निकाल देंगे हम लोग, निकाल के ये वाला पाइप जो है इसमें फिक्स कर लेंगे। देखिए यही पाइप को चार पीस कट कर लेंगे, जो हिसाब से चाहिए वो कट कर लेके ऐसा इसमें लगा के स्क्रू टाइप फिट कर लेंगे। तो अभी ये पूरा फिक्स कर लेके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ऐसे फिटिंग होगा इसका, डक्ट दो आके लेफ्ट साइड में जाएगा, दो राइट साइड में आएगा। तो अभी ये चारों डक्ट फिट कर लेने से आपको डैशबोर्ड में फिटिंग करने के लिए आसानी होगा। तो इस यूनिट में आके देखिए आपको वायरिंग, स्पीड रेजिस्टेंस और कंट्रोलर सब कुछ इसी में मिल जाएगा। वायरिंग भी करने की ज़रूरत नहीं होगी आपको, आराम से इसी में पूरा कंट्रोलर आ जाएगा। तो अभी हम लोग इस यूनिट को इस गाड़ी में फिक्स कर लेते हैं। तो अभी ये यूनिट फिक्स करने के लिए आप लोग देख सकते हो ऐसा एल टाइप क्लैंप बना लेंगे, क्लैंप बना के दोनों साइड में दोनों क्लैंप डाल देंगे, डाल के इसे टेंसेज बोल्ट से आराम से टाइट कर लेने से ये वाला यूनिट फिक्स हो जाएगा। तो अभी मैं ये फिक्स कर लेता हूँ। देखिए दोनों साइड भी ऐसा डाल के फिक्स कर लेंगे। तो अभी ये यूनिट पूरा फिक्स करने के बाद में बाहर की तरफ कंडेंसर फिक्स कर लेंगे। चलिए तो देखिए कंडेंसर फिक्स करने के लिए आगे की तरफ में जो क्लैंप रहता है वो दोनों क्लैंप निकाल लेंगे, निकाल के एक बार से कंडेंसर रख के फिटिंग चेक कर लेंगे। चेक कर लेने के बाद में ये कंडेंसर में फ़ैन फिक्स करना होगा, कंडेंसर को सेपरेट फ़ैन आएगा। तो अभी ये फ़ैन फिक्स कर लेते हैं। देखिए फिर इसमें थ्रेड लॉकर का ग्लू लगा देंगे। अभी देखिए इसे लगा लेके आराम से इसको लॉक कर देगा ये ग्लू। फिर आके कंडेंसर और फैन दोनों को गाड़ी में फिक्स कर लेंगे। पहले एक बार चेक कर लेंगे कैसे फिटिंग होगा करके। तो अभी इसमें आगे की तरफ फ़ैन लगाना पड़ेगा, पीछे से टच हो रहा है तो अभी आगे में लगा लेंगे। देखिए दोस्तों आगे की तरफ फ़ैन लगा लिया है,
और इसमें चारों क्लैंप लगा दिया है। ऐसे क्लैंप लगा के स्क्रू लगा देने से कंडेंसर फिक्स हो जाएगा। तब ये कंडेंसर फिक्स होने के बाद कंप्रेसर लगा लेंगे। देखिए यही वाला कंप्रेसर है गाड़ी में फिक्स होगा, ओरिजिनल बेलिनो का, और ब्रैकेट भी यही फिक्स कर देंगे हम लोग। आप लोग देख सकते हो इधर से निकाला हुआ है, ये पावर स्टीयरिंग मोटर है। तो अभी ये सब कुछ फिक्स करके दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कंप्रेसर फिटिंग हो गया है और ऊपर में पावर स्टीयरिंग मोटर भी लगा दिया, और इसका बेल्ट लगा के नीचे की तरफ इसका टेंशनर आएगा बेल्ट टाइट करने के लिए। तो अभी ये बेल्ट पूरा टाइट कर लेंगे हम लोग। देखिए ये इसी टेंशनर से बेल्ट टाइट कर लेते। अभी ये पाइप फिटिंग शुरू करेंगे। तो देखिए चारों पाइप है इधर पे। तो ये वाले पाइप अभी कंप्रेसर में लगाने के लिए देखिए इसका कंडेंसर से डिस्चार्ज पाइप पहले शुरू कर लेंगे हम लोग। तो डिस्चार्ज पाइप को टेफ्लॉन पूरा लगा लेके टाइट कर लेंगे। अभी ये पाइप टाइट कर लेके इस वाले पाइप को कंप्रेसर में डायरेक्टली नहीं लगा सकते, तो इसको ऐसा वाला दो अडाप्टर आएगा, ये आके ओरिंग टू आपको फ्लेयरिंग होगा अडाप्टर, ये सेक्शन पाइप का अडाप्टर लगा लेंगे। और इसी में डिस्चार्ज पाइप भी फिक्स कर लेके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, दोनों अडाप्टर गाड़ी में लगा दिया। अभी ये वाला पाइप आके आपको इसमें ही चार्जिंग पोर्ट आएगा, तो अभी ये पाइप भी फिक्स कर लेंगे हम लोग। पहले अंदर की तरफ टकल लेंगे। तो अभी ये अंदर की तरफ डाल देने के बाद में बाहर से इधर पे कंप्रेसर में पाइप फिक्स कर लेते हैं। वैसे ही आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो देख सकते हो आप लोग, अभी ये वाला पाइप भी फिटिंग हो गया और डिस्चार्ज पाइप भी फिक्स कर लिया है हम लोगों ने। तो अभी इसमें आके कंडेंसर टू रिसीवर के लिए अभी एक लिक्विड पाइप आएगा। तो अभी वो वाला पाइप फिटिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ। वो पाइप उठा लो, लिक्विड पाइप। तो देखिए दोस्तों, यही वाला पाइप है। तो अभी ये वाला पाइप अल्मीनियम का आएगा। तो अभी इसमें जैसा बेंडिंग चाहिए वैसा कर लेके पोजीशन बना लेके ये वाले पाइप में फिटिंग कर लेते हैं। देखिए इधर पे कंडेंसर में लगा लेके टेफ्लॉन लगाना ज़रूरी है इसमें, नहीं तो लीकेज आ जाएगा। तो ऐसे ही 19 स्पनर से फिट कर लेते हैं। और इसका रिसीवर आएगा। रिसीवर लगाने से पहले इसको क्लैंप पोजीशन देख लेंगे, तो यहाँ पे लगाना सही रहेगा इसको। तो देख सकते हो आप लोग, एक टेंसर इसका बोल्ट लगा के पीछे की तरफ से नेट लगा लिया हम लोगों ने, और क्लैंप परफेक्टली फिटिंग हो गया इसका। तो ये वाला रिसीवर लगेगा इसको, फ्लेयरिंग वाला, देख सकते हो आप लोग। टेफ्लॉन पूरा लगा दिया है हम लोगों ने। तो अभी इसको इन जो लिखा हुआ रहता है उस साइड पे आके जो कंडेंसर से लिक्विड पाइप आएगा वो वाला फिक्स होगा इसमें। तो हम लोग लगा लेते हैं। आप लोगों को रिसीवर पे दिखाई देगा इन साइड करके, तो उधर की तरफ कंडेंसर का पाइप लगाना है, आउट साइड में ऑपरेटर कॉइल का पाइप लगाना है। तो दोनों पाइप हम लोग लगा दिए हैं इसमें। लगाने के बाद में अभी अंदर का फिटिंग कर लेते हैं, पाइप फिटिंग। तो आप लोग देख सकते हो ये सेक्शन पाइप फिटिंग हो रहा है और लिक्विड पाइप, ये दोनों पाइप लगा दे के प्रेशर लगा के एक बार लीक चेक कर लेंगे। ये वाला फिटिंग देख लीजिए, अभी ये पूरा फिक्स हो गया है यूनिट। एक बार लीकेज चेक कर लेके इसमें, इसके बाद में गैस फिल करने से पहले वायरिंग करना होगा इसका। वायरिंग भी बहुत आसानी से हो जाएगा। तो देख सकते हो अभी प्रेशर डाल के लीक चेक कर लेंगे। ये वाला प्रेशर नया एसी किट है, तो 200 to 250 PSI लगा सकते हैं। तो अभी हम लोग लगा लेंगे इसमें, 250-300 तक लगा के भी लीक चेक कर सकते हैं। तो देखते हैं कितना देर लगेगा करके। तो आप लोग देख सकते हो दोस्तों, इधर पे लीकेज चेक हो रहा है। आराम से लीक चेक कर लेके एक बार, एक 1 hour to 1.5 hour रखेंगे इसको। रखने के बाद में देखते हैं कुछ प्रेशर ड्रॉप होता है या नहीं करके, अगर नहीं हुआ तो वैक्यूम लगा के इसका वायरिंग कर लेंगे। तो चलिए अभी लीकेज पूरा चेक कर लेते हैं। लीकेज कहीं भी नहीं है इसमें, अंदर की तरफ भी पूरा परफेक्टली फिटिंग हुआ है। तो वेट करते हैं। तो अभी लीकेज पूरा कुछ भी नहीं था, तो अभी इसका डैशबोर्ड फिट कर लेंगे। डैशबोर्ड भी वही साइड में क्लैंप्स आएगा, ऊपर की तरफ बोल्ट रहेगा। तो ये फिक्स कर लेते हैं फटाफट से, फिक्स कर लेके इसका वायरिंग शुरू करते हैं।
तो अभी आप देख सकते हो ये डैशबोर्ड पूरा फिटिंग हो रहा है। ऐसे ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपकी गाड़ी में कोई भी फॉल्ट रहेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और हमारा गैरेज आके कर्नाटका बेंगलुरु कोरमंगला में है, और आप लोगों को स्क्रीन पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिखाई दे रहा होगा। अगर कौन सा भी गाड़ी का फॉल्ट रहेगा तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो ये वाला यूनिट में 3 वायर आएगा, एक आके मेन रहता है जो अभी कनेक्ट कर रहा है फ्यूज लिंक से। तो ये मेन वायर कनेक्ट कर लेके बॉडी ग्राउंड देना होगा इसको, और बाहर की तरफ एक कंप्रेसर वायर आया हुआ होगा, तो कंप्रेसर की वायर लेके उसमें रिले फिक्स करना है। तो देखिए ये वाला कंप्रेसर वायर के, देखिए यही ग्रीन कलर का वायर आएगा कंप्रेसर को। तो ये कंप्रेसर वायर से आप लोग बाहर की तरफ रिले फिक्स करना है। तो रिले आके हेडलाइट कटआउट रही है, इसमें 2 वायर भी स्किन कर लेके एक ही कंप्रेसर वायर को दे देंगे। ऐसे दे देने से आप लोगों को इससे 2 कनेक्शन आएगा, एक कंप्रेसर को जाएगा और एक आके फैन मोटर को दे सकते हो। तो अभी ये दोनों वायर भी कनेक्ट कर लेते हैं हम लोग। देखिए ब्लू कलर आके कंप्रेसर को जाएगा और ग्रीन कलर आके कंडेंसर फैन को दे देंगे। तो अभी कंप्रेसर और कंडेंसर फैन का दोनों का वायरिंग कर लेंगे। तो चलिए अभी इसका वायरिंग पूरा कर लेके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो अभी ये वायरिंग पूरा कंप्लीट हो गया है दोस्तों। कंप्लीट होने के बाद में अभी वैक्यूम एक बार कर लेंगे। वैक्यूम कर लेके देखिए सिलेंडर को लगा के इसमें गैस फिल कर देते हैं। गैस फिल करने से पहले हम लोग एक बार इसमें जो कंडेंसर और रेडिएटर खुला था, रेडिएटर का कूलेंट चेक कर लेंगे और बैटरी वायर लगा लेंगे। कूलेंट देखो ओके। तो अभी इसमें डिजिटल वाटर टॉपअप कर लेते हैं, टॉपअप करके बैटरी कनेक्ट कर लेंगे। इसमें कनेक्ट करके गाड़ी चालू कर लेके एक बार से गैस फिल कर देंगे। तो चलिए अभी गाड़ी चालू करते हैं। गाड़ी चालू करो। हाँ बैटरी लगा लो, वो बैटरी लगा के गाड़ी चालू कर दो। ओके दोस्तों आप लोग देख सकते हो अभी ये बैटरी का कलेक्शन कर रहे हैं। पूरा फाइनल फिटिंग हो चुका है, फाइनली एक बार पूरा चेकअप कर लेके बैटरी कनेक्ट कर दिया हम लोगों ने। तो देखते हैं अभी गाड़ी चालू करके उसका पूरा रनिंग कंडीशन कैसा हुआ है करके। हाँ कनेक्ट हो गया है अभी बैटरी। मीटर पूरा ओपन कर दो। ओके तो दोस्तों अभी मीटर भी ओपन किया हुआ है, गैस फिलिंग पासिंग भी आप लोग देख सकते हो। देखिए अभी ये गाड़ी चालू हुआ है और कंडेंसर फैन भी रनिंग है, कंप्रेसर भी रनिंग। तो आप लोग देख सकते हो अभी ये
कंडेंसर फैन आके अंदर की तरफ में हवा देना चाहिए, अगर बाहर की तरफ देगा तो ओवर हीटिंग हो जाएगा, ये एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके तो दोस्तों अब ये पूरा फिटिंग हो चुका है। वैसे ही आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई भी फॉल्ट या डाउट रहेगा तो आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।